उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी राजनीति की एक नई मिसाल पेश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की इस बदलती राजनीति में मुद्दों की जगह है, जनता के हितों की जगह है, महिलाओं के अधिकारों की जगह है। प्रियंका गांधी का मानना है कि महिलाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और वो खुद और कांग्रेस पार्टी न केवल महिलाओं की लड़ाई लड़ने को तैयार है बल्कि उनको सशक्त बनाने का इरादा है ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ने योग्य बन सकें। उत्तर प्रदेश की सियासत में रसातल पर जा चुकी कांग्रेस इस बार के विधानसभा चुनाव में दोबारा उठ खड़ा होने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अहमद पटेल जी, राजीव सातव जी, अमित चावड़ा जी, परेश धनानी जी, CWC के मेंबरान और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आपके इस प्रेम भरे स्वागत के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे मालूम था कि आज मीटिंग है, लेकिन मन में सोचा था कि मुझे शायद भाषण देने की जरूरत ना पड़े, तो मैं भाषण नहीं देती, आपसे दो शब्द कहती हूं जो मेरे दिल में है। पहली बार मैं गुजरात आई हूं, और पहली बार साबरमती के उस आश्रम में गई जहां से महात्मा गांधी जी ने इस देश की आजादी का संघर्ष शुरू किया था। और मैं बता नहीं सकती आपको कि वहां उन पेड़ों के नीचे बैठे हुए, भजन सुनते हुए मेरे दिल में क्या भावना जागी। ऐसे लगा कि आंसू आने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन देशभक्तों के बारे में सोचा जिन्होंने जीवन संघर्ष किया, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, सब कुछ त्याग कर दिया, जिनके बलिदानों पर इस देश की नींव डली है। वहां बैठे हुए मन में ये बात आई कि ये देश प्रेम, सद्भावना और आपसी प्यार के आधार पर बना है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उससे दुख होता है, और आप सब यहां इतनी तादाद में आए हैं, मैं दिल से आपको कहना चाहती हूं कि इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप जागरूक बने। आपकी जागरूकता एक हथियार है, आपका वोट एक हथियार है, लेकिन ये एक ऐसा हथियार है जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचानी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।